तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 94 अब पूरा आ चुका है और इस चैप्टर का नाम है गेट योर हेड इन द गेम सन गोहान। इसका मतलब यह है कि अब गोहान भी फाइट में आ चुका है, जिसकी फाइट होगी गामा से। और देखो यहाँ पर मैं जो स्टोरी है आगे की थोड़ी स्किप करते हुए दिखाऊंगा, जो कि पेन के किडनैप करने की है, और फाइट पर जाके सही से तुम्हें उसे एक्सप्लेन करूंगा, जिससे तुम्हें इस चैप्टर में मजा ज्यादा आए। और बस अगर तुम्हें मेरी नरेशन पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, बाकी तुम्हें सपोर्ट दिखाना है तो लाइक जरूर कर देना। तो अब सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमें शुरुआत में यही दिखाया जाता है कि पेन के स्कूल की छुट्टी हो गई है और उसको लेने के लिए उसको कोई अजीब लोग आ गए हैं, जो कि उसे किडनैप करने के लिए आए हैं, जिन्हें पेन बड़े आराम से हरा देती है, क्योंकि पेन भी एक सैयन ही है। और वहां हम देखते हैं कि रेड रिबन आर्मीज के रूप में पिकलो भी आया हुआ है, जो कि पेन को साथ ले जाने के लिए आया है, और एक प्लान बनाते हुए वो ये चीजें कर रहा है ताकि गोहान की कोई छुपी हुई पावर भी निकल जाए और वो साथ ही रेड रिबन आर्मी को भी हरा दे, जैसा कि हमें इसमें आगे देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में पिकलो यहाँ बताता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। अब कहानी ऐसे ही आगे जाती है और ये सब रेड रिबन आर्मी के खुफिया अड्डे पर चले जाते हैं और वहाँ पर पेन को किडनैप करके रखते हैं और गोहान को उसे बचाने के लिए एक मैसेज भेजते हैं। और जैसे ही रेड रिबन आर्मी के लोग गोहान को ये बताते हैं कि उसने उसकी बेटी को किडनैप किया है, तो गोहान एकदम गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारते हुए उनके गन को तोड़ते हुए सुपर सैयन वहीं पर बन जाता है और पिकलो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब गोहान सीधा अपनी बेटी को बचाने के लिए उन गामाज और रेड रिबन आर्मीज के कैप्टन के पास जाता है और यहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही होती है, जहाँ गोहान की एंट्री होती है। और एंट्री होते ही वहाँ पे खड़े लोग सारे उसके एंट्री से ही इधर उधर गिरने लगते हैं, क्योंकि गोहान यहाँ काफी ज्यादा गुस्से और पावर में उतरा होता है, जिसे देखकर अब पेन भी काफी ज्यादा खुश होती है। और पेन को देखकर गोहान सीधा उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन गामाज उसे रोकने के लिए उसकी तरफ तेजी से जाते हैं और गामा वन उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। और गोहान जमीन से टकराता हुआ अब खुद को संभालता है और अपने क्लॉ को उतार कर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ गामा वन और गोहान आमने सामने होते हैं और गामा वन गामा टू को पहले ही रोक देता है कि ये तो अब मेरा ही शिकार है। अब यहाँ गामा वन काफी तेजी से गोहान की तरफ बढ़ता है और जाकर सीधा एक अटैक करता है, जिसे गोहान बड़े आराम से डॉच कर देता है। लेकिन अब गामा वन काफी सारे अटैक्स उस पर करने लगता है, जिसे डॉच करते हुए गोहान एक पावरफुल किक उसे दे मारता है, जिसे खाकर वो गामा जमीन पर गिरता है और गिरकर दोबारा एकदम उठकर अपने हेड से गोहान को एक अटैक मारता है, जिसे खाकर गोहान तेजी से पीछे की तरफ जाकर गिरता है। और वो गामा काफी तेजी से अब गोहान पर अटैक करते हुए ऊपर से एक पावरफुल किक का अटैक सीधा गोहान की तरफ करता है, जिससे गोहान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किक उसके सीधा पेट पर लगती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस जगह पर वो एक बड़ा सा गड्ढा बना देती है, जिसे देखकर वहां के रेड रिबन आर्मी के लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कैप्टन उसे देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। अब वो गड्ढे की वजह से गामा वन और गोहान सीधा जमीन के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पिकलो को अभी भी भरोसा होता है कि गोहान के अंदर वो पावर है, जिससे वो बड़े आराम से इन्हें हरा देगा। अब गोहान यहाँ गामा वन से पूछता है कि आखिर तुम हो क्या। गामा वन कहता है कि एक सुपर हीरो। गोहान कहता है कि क्या। अब ये बोलते ही उन दोनों में लड़ाई दोबारा से चालू हो जाती है और गामा वन लगातार गोहान पर अटैक करने लगता है, जिसे गोहान बिना डॉच करे खाए हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और खुद के चेहरे को पोंछते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक एंड्रॉइड हो और तुम्हारे पास काफी अजीब टैक्टिक्स है। अब इन दोनों में ऐसे ही बातें चलती रहती हैं और ये फाइट दोबारा काफी तेजी से चालू होती है, जिसे गोहान समझ ही नहीं पाता, क्योंकि गामा वन जो एंड्रॉइड होता है वो गोहान के सारे अटैक्स और फाइटिंग टैक्टिक्स को पहले ही समझ चुका होता है। उसके प्रोग्राम में सारे फाइटिंग टेक्निक्स प्रोग्राम होते हैं, जिसकी वजह से गोहान को वो बड़े आराम से हराता हुआ यहाँ दिखाई देता है। अब यहाँ इनकी फाइट काफी तेजी से चल रही होती है और एकदम ही गोहान काफी तेजी से अपनी पावर को बढ़ाते हुए वो उस गड्ढे से बाहर निकलता है और वो एक सैयन बना हुआ होता है, जिसे देखकर सभी रेड रिबन आर्मी के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब यहाँ गोहान एक सुपर सैयन बनके खड़ा होता है, जिसे देखकर डॉक्टर हेडो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि हाँ, ये वही एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे मैंने देखा था। अब गोहान के पीछे पीछे गामा वन भी उस गड्ढे से निकल कर आता है और सीधा गोहान के सामने दोबारा आकर खड़ा होता है। अब गोहान यहाँ सीरियस दिखाई देता है और अपने पावर को बढ़ाते हुए एक कामेहामे अटैक करने लगता है, जिसे देखकर गामा वन हैरान तो होता है, लेकिन वो उस अटैक को पहचान लेता है और उस अटैक को डॉच करते हुए अपने गन से वैसी ही पावरफुल अटैक सीधा गोहान की तरफ फेंकता है, जिसे देखकर गोहान एकदम हैरान होता है कि ये क्या है। अब गोहान अपने दोनों हाथों से उसे डॉच करते हुए मारता है और वापस उसे उनकी तरफ फेंक देता है और तुरंत तेजी से जाकर गामा वन के चेहरे पर एक किक मारता है। अब यहाँ दोबारा इन दोनों की काफी तेजी से लड़ाई होने लगती है, जिसे देखकर पेन काफी ज्यादा खुश होती है और पिकलो इसे देखकर कहता है कि नहीं, ये अभी भी काफी नहीं है। अब यहाँ काफी तेजी से गामा वन और गोहान में लड़ाई हो रही होती है और गामा वन कह रहा होता है कि
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं पहले वाले से लड़ा था। गोहान कहता है कि ये बंदा फाइट में ही अपने ओपोनेंट्स के मूव को जान लेता है। अब यहाँ गामा वन कहता है कि अब बहुत हुआ और गोहान के पंच को डॉच करके वापिस पीछे जाके अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। गोहान कहता है कि क्या फिर से? गामा वन कहता है कि तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। इसे सुनते ही गोहान एकदम चिढ़ जाता है और काफी तेजी से उसकी तरफ अटैक करने लगता है, जिसे गामा वन बड़े आराम से डॉच कर रहा होता है और डॉच करते हुए सीधा गोहान के गर्दन को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर रेड रिबन आर्मी के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ गामा वन गोहान को जमीन पर पटकते हुए उसे जमीन में ही घिसड़ता हुआ उसे ऊपर फेंक देता है और तेजी से ऊपर जाकर किक उसे दे मारता है, जिसे खाकर गोहान सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और गोहान अब यहाँ पर खुद को संभालता है। यहाँ पिकलो एक दिमाग लगाता है कि गोहान को चलो अब और गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो अपनी लिमिट्स को पार कर सके, और ऐसा करते हुए वहाँ वो नाटक करते हैं कि वो पेन को परेशान कर रहा है, जिसे देखकर गोहान एकदम गुस्से से भर जाता है और पेन का नाम चिल्लाते हुए अपनी पावर को काफी तेजी से बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर गामा टू भी कहता है कि उस बच्ची से अपना हाथ हटाओ। और अब हम यहाँ देखते हैं कि गोहान काफी तेजी से अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ का आसमान तक साफ हो जाता है। अब गोहान यहाँ अपनी मिस्टिक फॉर्म में होता है और काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है, जिसे देखकर गामा वन भी हैरान होता है। अब यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। वैसे मैंने ये चैप्टर काफी तेजी से कवर करा है, लेकिन मुझे पता है मेरी नरेशन में तुम्हें मजा जरूर आया होगा। वैसे अब कुछ टाइम और ये बस एंडिंग की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ये सुपर हीरो आर्क बस जल्द ही एंड होगा और फिर हमें देखने के लिए मिलेगा एक नया आर्क, जो कि काफी ज्यादा हाइप के साथ आएगा। वैसे काफी लोग इसे देख रहे हैं। बस अगर तुम्हें मेरी नरेशन अगर पसंद आ रही हो तो मेरी एक नरेशन के लिए अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी और एक मेरे लिए कमेंट भी कर देना कि तुम्हें नरेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।